ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो गाइस, इस कॉन्सेप्ट में आप सभी को देख के ऐसा लग रहा होगा कि गाइस कितनी हार्ड है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए गाइस मैंने आप सभी के लिए कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड बनाया है। एंड गाइस, अभी आपको बैकग्राउंड को देख के भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम ग्रास में कैसे बैठेंगे इसमें। तो गाइस, मैंने आप सभी के लिए ग्रास का पीजी भी कुछ इस टाइप का तैयार कर दिया है, जिसमें कि गाइस अपने जैसे ही आप मॉडल को ऐड करोगे, वैसे ही मॉडल को लगाने के बाद जैसे ही आप इस ग्रास के पीजी को लगाओगे तो आपके मॉडल में इजीली ऐड हो जाएगा। बाकी आप सभी को ऐड कैसे करना है सब कुछ मैं आप सभी को आगे वीडियो में समझा दूंगा। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना, क्योंकि यार आप लोगों का मुझ पर ट्रस्ट है, तो यार इसलिए मैं आप सभी के ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं चाहता हूं। इसलिए गाइस, मैं आप सभी के लिए एक एक जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपके माइंड में चल रही है, उससे पहले मैं उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आप वीडियो लेकर आता हूँ। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। एंड गाइस, अभी तक आप सभी ने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें गाइस मैं आप सभी को इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मतलब कि आपको मैं उस पर ग्रो करने के टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। तो गाइस, अगर आप सभी ने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो आप जाके अगर आपको वहाँ पे कुछ भी अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आप बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को गाइस करना है क्या, गाइस आप सभी को पहले कहीं पे भी बैठ के आपको फोटो को क्लिक करवा लेना, जरूरी नहीं आपको कहीं ग्रास में जाकर फोटो क्लिक करवानी हो, कहीं पे भी बैठ के आप क्लिक करवा सकते हो। देन गाइस, इसका बैकग्राउंड रेज करने के लिए आपको चले जाना ड्रॉ टूल में। एंड यहाँ पे गाइस आपको रेजर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस, इसकी जो हार्डनेस होगी गाइस, इसको आपको रख लेना है 90 तक, ठीक है। हार्डनेस को आपको 90 तक रखना है, तभी गाइस अच्छे से एकदम रेज हो पाएगा। तो आपको 90 तक रख लेना है। एंड गाइस, इसका साइज जो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है, ठीक है गाइस। एंड फोटो को जूम करके यहाँ पे गाइस आपको फटाफट से बैकग्राउंड को रेज कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद गाइस, आपसे वो करना है क्या, गाइस आपसे भी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आपको पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है। एंड उसके बाद जाना आपको ऐड फोटो में। एंड गाइस, जो आपने अभी अपने मॉडल का बैकग्राउंड रीज किया, आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है कुछ इस टाइप से यहाँ पे। एंड उसको गाइस आपको कुछ इस टाइप से आगे की तरफ फ्रंट ऑफ साइड में ऐसे कुछ बैठा देना है, ठीक है, इस टाइप से। एंड उसके बाद आपको इसका जो मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें ग्रास है पहले से ही, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ग्रास इसका रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि गाइस इसमें मतलब कि ग्रास है तो इसमें परमानेंट है, तो मैं इसको रेज नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसकी ओपोसिटी या हार्डनेस कम करके एंड ऐसे मैं साइड साइड से थोड़ा थोड़ा रेज कर दूँगा, ठीक है। बट गाइस, मैं आप सभी को एक ग्रास के पीएनजी जो भी है सब कुछ मैं आपको दे दूँगा, तो आप इजीली ऐड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रेज करते हैं, यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे डन, ठीक है। तो इसको हम परफेक्ट तरीके से एकदम डन कर देते हैं। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो अब इसको हम ले लेते हैं ऐसे ग्रास का पीएनजी ऐड फोटो से। एंड उसके बाद पीएनजी को लेके हम इसके यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप सभी को भी, आपको बस सिंपली लेना है इसको एंड फुल स्क्रीन कर देना है, इजीली कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा ग्रास का पीएनजी भी लग गया। अब यहाँ पे इतना काम हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना इसका थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो उसको हम ऊपर वाले पॉइंट से इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, ठीक है। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको आप भी कुछ मतलब इस टाइप से ऐसे कर लेना आप सभी को भी, एंड बस इतना बहुत है, ठीक है। तो इतना कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसको डन, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद गाइस, आप सभी को क्या करना है, इसका थोड़ा सा ना सैचुरेशन मैनेज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना होगा टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जाना है सैचुरेशन वाला ऑप्शन में। एंड इसका जिसका सैचुरेशन होगा उसको -10 तक कर देना है। बिकॉज गाइस, ये क्या होता है कि इससे ना जितने भी इसमें बैकग्राउंड्स मॉडल जो भी होता है सबका सैचुरेशन एक हो जाता है, तो आपको भी ऐसे कर लेना है। एंड उसके बाद जाना ऐड फोटो में। एंड ऐसे गाइस, आप सभी को एक विग्नेट का पीएनजी जो कि गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आपको, तो उसको आप सभी को ले लेना है। एंड उसको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसको मैं इतना कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये परफेक्ट है। अब गाइस, आप सभी को क्या करना है, अब आप सभी को यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डन कर देना है। अब उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अब आप सभी को इसमें थोड़ा सा मतलब रीटचिंग वगैरह करना है। तो रीटचिंग वगैरह करेंगे हम लाइट रूम ऐप में, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं आप लाइट रूम ऐप में। हम लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस, आप सभी को फोटो का ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पे पहले से ऐड कर रखा है। तो आप सभी को इस पर लाइट वाला ऑप्शन में चले जाना है। एंड लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा उसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हाईलाइट है इसको गाइस आप सभी को थोड़ा सा प्लस की तरफ कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जो शेडो है इसको आप सभी को थोड़ा सा प्लस नहीं माइनस प्लस की तरफ रख देना है, ठीक है। एंड जो व्हाइट होगा गाइस इसको भी आपको थोड़ा बढ़ा देना है, व्हाइट को भी थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो ब्लैक होगा गाइस इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा इसको हम कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर चले जाएँ आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस टेम्परेचर है इसका, उसको हल्का सा कम कर देना है टेम्परेचर को, ठीक है।
ताकि ब्लू टोन आ जाए इसमें। एंड इसके बाद चले जाना आपको मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड जो इसका ल्यूमिनस होगा आप उसको बढ़ा सकते हो अगर आपके फेस के अकॉर्डिंग आप। फिर येलो कलर में जाना, इसका ह्यू चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड का, तो हम इसका ह्यू माइनस कर देंगे एंड सैचुरेशन होगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ह्यू चेंज करने से काफ़ी अच्छा लगा फोटो। फिर इसका जाना आपको ग्रीन कलर में, एंड जो ग्रीन कलर आप इसका भी ह्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, बट हम इसको प्लस में रखेंगे एंड सैचुरेशन प्लस में रखेंगे क्योंकि जो मोर का पंख है वो ग्रीन है। तो उसके बाद हम इसका ल्यूमिनस थोड़ा कम करते थे ल्यूमिनेशन के सैचुरेशन। फिर जाना आपको क्या, जहाँ से डार्क ब्लू में इसका आप ह्यू भी चेंज कर सकते हो, जो स्काई है हमारा उसका ह्यू चेंज कर सकते हो, तो हम इसको माइनस कर लेंगे एंड जिसका सैचुरेशन होगा उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट है, इसको हम डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जगह क्लियरिटी होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को जो विग्नेट होगा गाइस इसको हल्का सा डाल देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना है नीचे वाला टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे आपको मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन, आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। सो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा है, हमने एकदम अच्छे तरीके से एकदम कुछ ही स्टेप में हमने फोटो को बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम एडिट कर दिया। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना। एंड गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार आप सभी आजकल यार कमेंट करना यार भूल जाते हो यार, प्लीज यार एक कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि यार आपके कमेंट से यार पता चल जाता है कि यार हमने यार मतलब कि कुछ गलती तो नहीं की एंड यार हमने कितनी अच्छी एडिट करी है एंड हमें और कितना अच्छा हार्डवर्क करना चाहिए आप सभी के लिए। तो यार प्लीज यार एक कमेंट जरूर कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को ऐसी ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। एंड गाइस अगर अभी तक आप यहाँ तक आ चुके हो तो गाइस आप सभी को साइड में एक दो वीडियो दिख रही होगी, इनमें से कोई सी वीडियो को आप क्लिक करके आप बाकी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूं आप सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।